मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने छतरपुर में राजनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ खाना खाया। आदिवासियों के साथ खाना खाते हुए अखिलेश यादव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 20% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया था। इसके बाद अखिलेश यादव मीडिया से भी मुखातिब हुए। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। अभी मैंने यदि बात करूं उज्जैन में जो 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, तो आप क्या मांग करेंगे, क्यों नहीं रोक रहे हैं आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके की जातियां? 12 साल की बेटी के साथ जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है, और आज के समय पर ऐसी घटनाएं होना और हम लोगों के सामने ये संकट आना कि ये सूचनाएं हम लोग को मिलनी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस सरकार को जवाब ये देना चाहिए कि पिछले इतने 20 साल से सरकार में रहे हैं तो आखिरकार बेटियों की, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या काम किया इन्होंने, और सुरक्षा के लिए काम नहीं किया उसी का परिणाम ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और यही नहीं है, बीजेपी के लोग बहुत लापरवाह हैं। अभी घटना हुई है तो कहेंगे सख्ती से पेश आएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, माताएं बहनों को उनके वस्त्र उतार करके उन्हें पैदल घुमा दिया था। उत्तर प्रदेश में हाल क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं। बीजेपी के लोग मंचों से कई बार ये कहते हैं कि जब भी किसी बेटी या महिला के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम न सिर्फ कड़ी कार्रवाई करते हैं बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलता है। तो इनको बुलडोजर खूब चला है? नहीं, बुलडोजर चलाना चाहिए, यहाँ चलाती क्यों नहीं है जिस दोषी ने किया है। लेकिन बुलडोजर की भाषा, बुलडोजर बिहार, बुलडोजर ये कानून में नहीं आता है, ये तानाशाही का प्रतीक है। आपके पास कानून है, फोर्स है, पुलिस है, वो क्या कर रही है आपकी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? आखिरकार आपने 20 साल में क्या किया? आपने क्या 20 साल इसलिए सरकार में रहे हो कि आपको बुलडोजर चलाना पड़ रहा है आज? देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।